all of you. Today we see the topic, that is phase discriminator, also called as a Foster Seeley discriminator. So see, this is the diagram for phase discriminator. In this, the input is FM input and output is the AF output voltage. So see the detail description points about phase discriminator. So see, one by one, first point is that it is also known as Foster-Seeley discriminator. Second naam hai iska, Foster-Seeley discriminator. Second point hai, primary and secondary winding both are tuned to center frequency of incoming signal. Okay, yahan pe jo primary aur jo secondary windings hai, ye dono bhi kya rahegi, ट्यून रहेगी एक मेक से, ओके, टू सेंटर फ्रिक्वेंसी ऑफ इनकमिंग सिग्नल. जो भी इनकमिंग सिग्नल में सेंटर फ्रिक्वेंसी रहेगी, उन दोनों को वो ट्यून रहेगी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ. ओके, देन सी द नेक्स्ट पॉइंट, आउटपुट वोल्टेज इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज. यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या रहेगा, दो वोल्टेज मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है, उन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो रहेगा आउटपुट वोल्टेज, एंड इट इज़ डिनोटेड एज V0 इज इक्वल्स टू V01 माइनस V02. V01 मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज एंड V02 मीन्स इट इज़ द सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज. ओके, एंड V0 इट इज़ द आउटपुट वोल्टेज. देन see the circuit operation. In circuit operation, the first point is that when F input is equals to carrier frequency, means input frequency is equals to carrier frequency. जब input frequency is equals to carrier frequency रहेगी, तब क्या होगा, primary and secondary voltage आर एग्जैक्टली 90 degree आउट ऑफ फेज. ओके, मीन्स जब भी इनपुट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू कैरियर फ्रिक्वेंसी रहेगी, द प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो एग्जैक्टली 90 degree आउट ऑफ फेज रहेंगे. यहाँ पर क्या होगा, फिर जो भी इनपुट है एट D1 डायोड इज इक्वल्स टू इनपुट एट डायोड D2, मीन्स जो भी प्राइमरी वोल्टेज है वो इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज हो जाएगा. उसके वजह से क्या होगा, V0 क्या होगा, प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल्स टू सेकेंडरी वोल्टेज अगर रहा तो 0 - 0 होगा, सो आउटपुट वोल्टेज इट इज 0 आएगा. सो सी इन दिस डायग्राम, द डायोड D1 इज देयर एंड D2 इज देयर. सो इन फर्स्ट केसेस द इनपुट at D1 is equals to input at D2 when input frequency is equals to carrier frequency. Okay, input frequency is equals to carrier frequency. Then see the second operation, when input frequency is greater than carrier frequency, in that case the primary and secondary voltage are less than 90 degree out of phase. Okay, जब input frequency greater than रहेगी carrier frequency से, तब primary और secondary voltage जो है वो less than 90 degree out of phase रहेंगे. और condition क्या रहेगी, condition रहेगी input at D1 greater than input at D2. So जो भी प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज है इज ग्रेटर दैन सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज रहेगा. ओके, सो जो भी आउटपुट है वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा. बिकॉज इफ यू कंसिडर V01 आपका 4 है और V02 आपका 2 है,
सो आपकी कंडीशन क्या है, V01 इज ग्रेटर दैन V02, इट इज सेटिस्फाई. सो वॉट इज द फॉर्मूला, दैट इज V0 इज इक्वल्स टू V01 माइनस V02. सो क्या आएगा यहाँ पे, 4 माइनस 2 इट इज 2, सो इट इज अ पॉजिटिव. सो द आउटपुट विल बी, V आउटपुट विल बी पॉजिटिव. ओके, देन सी द लास्ट कंडीशन, व्हेन इनपुट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन कैरियर फ्रीक्वेंसी, इन दैट केस द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज आर मोर देन 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, एंड इन दैट द इनपुट एट D1 इज लेस देन इनपुट एट D2. सो इसके वजह से क्या होगा, जो भी प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज है वो लेस देन रहेगा सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज से. सो यहाँ पे भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं V01, यहाँ पे हम लोगों ने 2 रखा, कंसिडर करो, और V02 यहाँ पे मैंने 4 रखा. सो ये 2 और 4 क्यों रखा है मैंने, बिकॉज द V01 इज लेस देन V02, मीन्स V01 ये कम रहना चाहिए V02 से. सो यहाँ पे मैंने लिया तो आपका फॉर्मूला है V01 माइनस V02, यहाँ पे अगर पुट कर दिया तो 2 माइनस 4 इट इज क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, मीन्स माइनस 2 आएगा, सो नेगेटिव वैल्यू, सो आउटपुट क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा. सो यहाँ पे देखो क्या है, नेगेटिव आया है. देन सी द एडवांटेजेस, बेटर लिनियरिटी, एंड डिसएडवांटेज इज दैट इट डज नॉट प्रोवाइड एम्पलीट्यूड लिमिटिंग सो दैट प्रोड्यूस एरर एट द आउटपुट. यहाँ पे जो है लिमिटर यूज़ नहीं किया है तो आपको जो है आउटपुट में एरर मिलेगा, एरर प्रोड्यूस होगा, ये इसका डिसएडवांटेज है. सो दिस इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द फेज डिस्क्रिमिनेटर. सो थैंक यू.